टचवुड की ओर से ग्लैम आइकॉन फैशन स्पर्धा का आयोजन प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह में 19 जून को किया गया। टचवुड की ओर से ग्लैम आइकॉन 2019 का आयोजन 19 तारीख को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागृह में शाम के समय किया गया। मेहमानों में किशोर जोरगेवार, नगर सेवक विशाल निम्बाड़कर के साथ चंद्रपुर के अन्य मान्यवर उपस्थित थे। सबसे पहले मेहमानों के हाथों दीप प्रज्वलित किया गया, तत्पश्चात मान्यवरों का स्वागत किया गया। मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। बाद में कहा गया कि मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, और अभी मैन इज ए सेल्फी एनिमल। ये जो इंसान का प्रवास है, उस प्रवास में ये किन्नर जो हमारे बहन भाई है, इनका भी आप इनको स्टेज पर लाकर इनको समाज के सामने इनको प्रदर्शित करने का काम किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जो भी हमारे बच्चे जो फैशन शो में, फैशन की दुनिया में काम करते हैं, उनको मैं अभिनंदन करूंगा, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। इसमें से कंटेस्ट है, स्पर्धा है, कोई जीतेगा, किसी को पारितोषिक मिलेगा, किसी को रनर अप मिलेगा, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आप इस स्पर्धा में सहभागी हो रहे हो, चंद्रपुर की सुंदरता ये चंद्रपुर के लोगों को दिखा रहे हो। इसके साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे जो चंद्रपुर के जो ये बेटे है, जो हुनरबाज है, इनका मुंबई, नागपुर, दिल्ली में भी इनको स्पर्धा में आ गया है। सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि राजू अलो ने भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर इस प्रतियोगिता में शामिल मिस्टर, मिस, मिसेस के स्पर्धकों ने रैंप वॉक किया। और इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता जो चंद्रपुर जिले में नहीं तथा अन्य जगहों पर चर्चा का विषय बनी थी कि वह पहली बार किसी फैशन प्रतियोगिता में तृतीय पंथी भाग ले रहे हैं, जिसकी हर तरफ से सराहना की गई। उन्होंने भी रैंप वॉक किया और सभी का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता के संबंध में प्रतियोगिता के आयोजक निखिल आसवानी तथा अश्विनी तोमर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रस्तुत है इस आकर्षक प्रतियोगिता के झलकियां हमारे प्रतिनिधि राजू अलोने के साथ में हमारे तंत्र निर्देशक शैलेश गर्वी की नजर से। Yeah.